नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, वो चाहते हैं कि उनको जो ब्रिक्स समिट है उसमें इनवाइट किया जाए। ये खबर आप ग्लोबल टाइम्स की देख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक बहुत बड़ा एडिटोरियल छापा है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो ये खुद चाहते हैं कि जो मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में इस साल, उसमें उनको न्योता दिया जाए। और ये जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुद इस बात को अप्रोच किया है। जब उनकी बात हुई साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट रामाफोसा से, तो उन्होंने उनको कहा कि आप मुझे गेस्ट के तौर पे ब्रिक्स समिट में इनवाइट करें। नाउ ये थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जो फ्रांस है वो G20 का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ जो G7 है उसका भी पार्ट है। और इसको माना जाता है कि ये एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसको अमेरिका लीड करता है, और फ्रांस जो है वो अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलाई भी है। तो ऐसे में ये बहुत ही शॉकिंग है कि जो फ्रांस है वो चाहता है कि उसको G20 में बुलाया जाए। और लेकिन और ये देखना अहम बात होगा कि क्या अब इस पे क्या क्लेरिफिकेशन आती है फ्रांस की तरफ से। ना अगर ब्रिक्स आपको नहीं पता, तो ब्रिक्स जो है वो 5 कंट्रीज़ का संगठन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। और उसमें से आप रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज़ में आती हैं। ना ये देखा जा रहा है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं जिसको ब्रिक्स को जिसका अल्टरनेटिव माना जाता है, उनका अभी डाउनफॉल चल रहा है और ब्रिक्स अपनी पूरी पीक पर चल रहा है। और काफ़ी सारे मायनों में ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ भी दिया है। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, हो सकता है उनको ये आइडिया लग गया हो कि जो ब्रिक्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर फ्रांस को ऐसे डेवलप करते रहना है और अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखना है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रांस के रिश्ते हों वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ अच्छे हों। ना फ्रांस को अक्सर जाना जाता है कि वो जो बाकी सारी लाइन जो USA की लोग टो करते रहते हैं उससे वो हटके काम करता है, और USA को समय समय पर जो फ्रांस है वो चैलेंज करता रहता है। और जो हो सकता है कि इस बहाने जो फ्रेंच प्रेसिडेंट जब अगर उन्होंने वाकई अप्रोच किया है, तो अगर वो मीटिंग में शामिल हो तो उस पर बहुत सारी मुद्दों पे वो बात करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यूरोजोन है वो रिसेशन में जा चुका है, तो उससे उभरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जो ट्रेड है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों। ना जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उसमें ऑलरेडी 20 कंट्रीज़ और ज्वाइन होना चाहती हैं। तो ब्रिक्स जो है वो G7 की तरह एक छोटा सा अमीर लोगों का ब्लॉक नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ और जुड़ना चाहती हैं। ब्रिक्स प्लस का भी संगठन है। तो ब्रिक्स जो है वो काफ़ी मायने में G7 को पीछे छोड़ चुका है, और G7 की रेलेवेंस जो है वो दिन प्रतिदिन आने के समय में कमी होती रहेगी। नाउ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, हो सकता है कि वो जो पीस फार्मूला भी कोई डिस्कस करना चाहे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। क्योंकि जो इमैनुअल मैक्रॉन है वो पहले व्यक्ति थे जो कि गए थे रशिया में ताकि किसी तरह यूक्रेन युद्ध को टाला जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली युद्ध टला नहीं। और जो फ्रांस है उसके रिश्ते USA से बीच में खट्टे मीठे होते ही रहते हैं, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि 2021 में एक बहुत ही बड़ी डील थी ऑकस नाम से, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनानी थी। वो डील जो है पहले फ्रांस की थी, लेकिन जो USA और UK ने मिलकर फ्रांस को रिप्लेस कर दिया, और लगभग 40 से लेकर $50 बिलियन तक की जो डील थी वो फ्रांस के हाथ से चली गई। और इसने जो फ्रांस है और USA के रिश्ते को बिल्कुल लगभग ख़त्म करने के कगार पर ला दिया था। फ्रांस ने अपना एनवॉय भी बुला लिया था, और ऑस्ट्रेलिया पे फ्रांस ने $555 मिलियन की जो है फाइन भी लगी थी। नाउ मैक्रॉन जो है वो उनको अलग लाइन टो करने के लिए जाना जाता है, और उनका ये कहना है कि हम हर मामले पे, हम यूनाइटेड स्टेट के अलाई जरूर हैं, लेकिन हम हर मामले पे यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो नहीं कर सकते। हम यूनाइटेड स्टेट के वैसल स्टेट नहीं है। वैसल स्टेट उसको बोला जाता है जब आपकी कंट्री को आप खुद गवर्न करते हैं, लेकिन जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो आपकी मिलिट्री है उसका जो कंट्रोल है वो किसी दूसरे कंट्री के हाथ में हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है वो चाइना का एक वैसल स्टेट है। तो जो यूरोप है, इमैनुअल मैक्रॉन, उनका कहना है कि यूरोप को खुद के बारे में सोचना चाहिए, और ताइवान के मामले पे जो है वो US की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, और जो यूरोप है वो खुद अपनी पॉलिसी ताइवान के मामले पे अपनाएगा। नाउ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो चाइना में भी गए थे अप्रैल के महीने में, और हालांकि अमेरिका नहीं चाहता था, लेकिन चाइना में जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुद मुलाकात भी की शी जिनपिंग से, और उन्होंने कहा कि हम जो है चाइना को वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, और ताइवान के मामले पे हम US की लाइन टो नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो USA चाहता है कि नेटो का एक्सपेंशन किया जाए एशिया में और जापान में ऑफिस खोला जाए, तो जो फ्रांस है वो इसके विरोध में भी है कि नेटो को जो है वो एशिया में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे नेटो की रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है रशिया को कंटेन करना, उस पर नेटो का फोकस नहीं रहेगा। नाउ फ्रांस ने बहुत सारा सबक ले लिया है, क्योंकि अमेरिका को ब्लाइंडली सपोर्ट करने में, यूक्रेन के समर्थन में आने से जो यूरोजोन है वो ऑलरेडी जा चुका है रिसेशन में। तो फ्रांस और कोई गलती नहीं करना चाहता, और उसी लिए मुझे
लगता है कि फ्रांस ऐसी सब बातें कर रहा है ना। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।